क्वेश्चन नंबर 10th में हमें क्या गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो इसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मोड बंद प्लस सी। ठीक है, तो पहले इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें यहां पर कौन सी ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सो क्या होगा, देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए हमें क्या करना है, पहले जो एक्स स्क्वायर है उसको देखो वो किसका स्क्वायर है, एक्स का है, तो एक्स का स्क्वायर लिख दिया उसे हमने। अब जो दूसरी टर्म है यानी जो एक्स वाली टर्म हो, दूसरी हो जाए तीसरी हो, एक्स वाली टर्म, उसको हमें 2ab में कन्वर्ट करना है। सो 2a हमारे लिए क्या हो गया, एक्स, तो एक्स लिख दिया। अब b हमें सोचना है कि क्या होगा, क्लियर, तो उसके लिए आप क्या करो, जो यहां पे टर्म है उसको डिवाइड करवा दो जो यहां पे दो टर्म्स है उनसे, 2 into x यानी 2x ही, तो क्या मिल गया 1। आया समझ में, ये हम डायरेक्ट भी 1 सोच सकते थे कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये बन जाए, बट पैटर्न आपका मतलब ये है कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है अगर कुछ और ट्रिकी कंडीशन हो गई तो। ठीक है, सो 1 आ गया आपका b। अब b का स्क्वायर जो हमारा यहां पे निकला b, उसका स्क्वायर प्लस और माइनस करवाना है आपको, तो 1 का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया हमने, और ये जो प्लस 2 एस्टेज है उसको लास्ट में लिख दिया। यहां तक क्लियर हुआ, ये पूरा 1 के अपॉन में ही है और ये पूरा रूट में ही है, क्लियर, 2x by 2x ये रफवर्क का काम था आपका, क्लियर। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो इस टर्म ए स्क्वायर बन गया, ये 2ab है, ये बी स्क्वायर है, तो इन तीनों को मिला के हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और रूट तो है ही पूरे सबके ऊपर ही बेटा, क्लियर यहां तक। नाउ इन दोनों को सॉल्व करके क्या बनेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 प्लस का 1, क्लियर, और उसको हमें किसी के स्क्वायर में शो करना है, तो 1 को हम किसका स्क्वायर बोल सकते हैं, 1 का, क्लियर। तो अब इसको देखो इस वाले से मैच करो, फॉर्म बन गई ये वाली, अगर हम इसको क्या लेट कर लें, अब टी एक्स प्लस 1 को अगर हम टी लेट कर लें तो ऊपर हमारा यहां पे डीएक्स है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, dx इक्वल्स टू dt, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, 1 का 0, तो 1 इक्वल्स टू dt अपॉन dx, और dx इधर शिफ्ट कर दिया, dx इक्वल्स टू dt, अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए ज्यादा स्टेप्स नहीं शो करने। नाउ फर्दर अब इसको हम क्या लिखेंगे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या है इसके इंटीग्रेशन का, लॉग एक्स प्लस, एक्स की जगह हमारे पास यहां पे टी है, तो टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस सी, क्लियर। अब टी की वैल्यू हमारी क्या है, एक्स प्लस 1, तो वो हमने पुट कर दी, और ये चीज मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में बताई थी कि अंडर रूट के अंदर वापिस आपका वही आ जाएगा जो क्वेश्चन में था, तो इसको अलग से टी स्क्वायर टी की वैल्यू पुट करके सॉल्व मत करो, क्योंकि ये पूरा बना कैसे, देखो ये इसी से बना था, तो हम यहां पे आंसर क्या लिखेंगे, देखो log x प्लस 1, एक तो t की जगह हमने x प्लस 1 डाल दिया, प्लस रूट के अंदर डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, लास्ट में प्लस c, क्लियर। यहां पर आपको t स्क्वायर अलग नहीं पुट करना है, t स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है जो कि यही है, क्लियर, और ये कहां से बना था, यहां से, तो फाइनली आपका वही आ जाएगा रूट।